रक्षाबंधन पर इस बार भाइयों की कलाइयों पर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज उन्ना के एमबीए स्टूडेंट्स की बनी राखियां सजेंगी। केंद्र सरकार की स्टार्टअप योजना के तहत कॉलेज प्रशासन की ओर से स्टूडेंट को बिजनेस और उद्योग जगत की बारीकियां सिखाने के उद्देश्य से ये अनूठी पहल की गई है। राखियां बेचने के लिए छात्रों ने अपने ही डिपार्टमेंट के बाहर दो काउंटर लगाए हैं। हालांकि पहली बार इन राखियों को बनाने के लिए नाम मात्र बजट ही खर्चा गया है, लेकिन प्रयास सफल रहे तो अगली बार कॉलेज प्रशासन द्वारा बेहतर प्रोडक्ट तैयार कर बाजार में उतारा जा सकता है। स्टूडेंट अब तक करीब 1,000 रुपए की राखियां बेच चुके हैं। कॉलेज स्टूडेंट राजीव धीमान का कहना है कि राखियां बनाने पर 1,500 रुपए खर्च हुए हैं। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर त्रिलोक चंद कहते हैं कि स्टार्टअप योजना के तहत बच्चों को कुछ नया सिखाने के प्रयास किए गए हैं। आज भारत सरकार के स्टार्टअप योजना के तहत राजकीय महाविद्यालय ऊना में एमबीए विभाग की तरफ से बच्चों ने जो राखी की प्रदर्शनी की है, उसमें कैसे छोटे उद्योग आरंभ करना है और विकसित करना है इसके बारे में इनको ट्रेनिंग दी गई है, और किस तरीके से कॉस्टिंग, फाइनेंशियल या मार्केटिंग कंसेप्ट्स को व्यावहारिक रूप से अप्लाई करना है, इसको प्रयोग में कैसे लाया जाना है, ये बच्चों को जानकारी दी गई है। देव हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से अनिल पटियाल और मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।